फिर भी लेकर बैठे हैं उस उम्मीद में, उस आस में, नामे वफा के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दिस इज सागर उपाध्याय। और भाई अभी अभी उठे हैं, 11 बज रहा है, फ्रेश हो लिया, अभी चाय पीने का मन कर रहा है, बाहर जाके चाय पियेंगे। उसके बाद बहनों की राखी आई हुई है घर से, नहा कर पहनना पड़ेगा उसको, फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। आज का कोई खास प्लान है नहीं, पर कुछ ना कुछ तो प्लान बना ही लेंगे। फिलहाल तो चाय की चुस्की लेंगे और देखेंगे फिर आगे का दिन क्या बनता है। तो चलिए रहिए व्लॉग में साथ और देखिए क्या होता है। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. तो भाई अंसारी के साथ कल बहुत बुरा हुआ है। हम लोग का प्लान था कि रात को मूवी देखेंगे। मूवी का प्लान तो बना पर पूरी तरह से नहीं बन पाया। मतलब नींद आ गई यार टाइम पे। वो क्यों हुआ बता, या को कुछ फाइल्स जो है फ्री में चाहिए थी, और एंड से डाउनलोड किया और पूरी तरह से जितना भी फाइल्स थे सिस्टम के सारे इनक्रिप्ट हो गए, और एडमिन एक्सेस भी चला गया इसका। चलो वो तो वायरस किसी तरह से चला गया, पर वो फाइल्स डिक्रिप्ट नहीं हो रही। अभी चाय की चुस्की लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो भाई बहनों की जो राखी होती है वो अटूट बंधन होता है भाइयों के लिए, और इसके साथ जो बंधन बांधा है उस वायरस ने वो भी एक अटूट बंधन है। कुछ बचा है बोलने के लिए भाई? बस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। 200 GB डेटा चला गया, अब क्या बचा है जिंदगी में? आएगा आएगा डेटा आएगा यार, सब्र रखो, सारा सोल्यूशन मिलेगा। हर चीज का सोल्यूशन है दुनिया में। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बात ये है कि फाइल्स के जो कीज होते हैं ना वो अपडेट होते रहते हैं, तो अगर वो भी अगर आपको डिक्रिप्ट डेटा देंगे ना तो हो सकता है वो पूरी तरह से डिक्रिप्ट ना करे। ये बोल रहा है कि अगर मिल गया ना कहीं तो वो जो अटूट बंधन है ना साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। उसका डेटा तो ऐसा था कि फोटोज वगैरह थे, घूमने फिरने गया था, वहाँ के फोटोज थे काफी सारे। पर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों का डेटा इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि चली जाए ना तो उनका बहुत एकदम जान ही निकल जाए। तो ध्यान रखो यार, टॉरेंट वगैरह ऐसा भी फिलहाल के लिए डाउनलोड मत करो कुछ भी कर रहे हो तो, क्योंकि पता नहीं ना कौन से फाइल में वो वायरस होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। रैंसमवेयर तो पहले से ही था, पर ये जो डॉट हूप एक्सटेंशन के साथ जो ये आ रहा है वायरस, सारे फाइल्स में डॉट हूप एक्सटेंशन आ जाता है और फाइल्स खोलने पर बोलता है कि $920 पे करो, हम आपको आपका डेटा जो है डिक्रिप्ट करके देंगे। अगर चाहिए तो आपको हम एक सैंपल डेटा भी डिक्रिप्ट करके दे सकते हैं। गजब तू भी आज आदमी। स्टोरी लगा रहे हो क्या इंस्टा पे? हां भाई। किस चीज की लगा रहे हो स्टोरी? जो इनक्रिप्ट हुआ डेटा उसका लगा रहे हो? तो आप वहीं उठाओ, बाहर मत आओ, बाहर आओगे तो धर लिए जाओगे। गाना लगा रहे पीछे नामे वफा। तो यार प्लान कुछ खास है नहीं। प्लान ऐसा है कि अभी फिलहाल तो नहाएंगे, नहाने के बाद राखी बांधनी है, राखी बांधने के बाद अंसारी बोल रहा है कि बाहर जाकर नाश्ता करेंगे, तो आज बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। छुट्टी का टाइम भी यार, बाहर निकलना तो जरूरी है, घर पे रह रहे के पक जाएंगे। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। बोर हो जाएंगे और ऐसे संडे गुजर जाएगा, मंडे आ जाएगा, ऑफिस जाना पड़ जाएगा, तो फिर क्या फायदा संडे का बे? शॉर्ट्स लेते लेते यार थोड़ा सा ना मतलब कुछ चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो बाबू को थोड़ा गुस्सा आ गया। बाबू बोल रहे हैं कि यार नहा लो, हमको भूख लगी है जोर से, और ऊपर से ये फाइल तो इनक्रिप्ट होने से रहा, फिर भी लेकर बैठे हैं उस उम्मीद में, उस आस में, नामे वफा के लिए कि किसी ना किसी तरीके से डिक्रिप्ट हो जाएगा, पर वो नहीं हो पाएगा भाई, थोड़ा टाइम दो उसको। चलो हम आते हैं तैयार होके, ठीक है? तुमको हम नाश्ता कराएंगे, एकदम मस्त नाश्ता कराएंगे, अभी बता रहे हैं। जाओ नहा के आओ पहले। अरे तू जा रही? तो भैया राखी बांध लिए और अभी सीधा चलेंगे खाने, भैया भी जा रहे हैं साथ में, तो अब ये डोर करेंगे लॉक और सारे जाएंगे बाहर नाश्ता करने। बस मेरा जो भाई है छोटा वाला कजन, वो रहेगा रूम पे क्योंकि वो उठाई अभी है। हम चलते हैं नाश्ता करके आते हैं बाहर। तो भैया जो है ना बहुत अपने में ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है। आज पता नहीं कैसे इनको आ गए यार, आज मैंने बोला कि चलो यार नाश्ता करते हैं, भैया तैयार हो गया। आज बैंगलोर के मौसम का मज़ा लीजिए हमारे साथ। वो ना अपने अपना दायरा बना रखे हैं, 100 गज से आगे वो जाते ही नहीं है। बैंगलोर का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है इस टाइम पर, जुलाई अगस्त और सितंबर। जुलाई और अगस्त में बहुत मज़ा आएगा बैंगलोर में। आओ घूमने, मस्त घूमो यहाँ पर। देखो अभी धूप थी और कहाँ अभी छाँव हो गई। और अभी हम जाएंगे पंजाबी ढाबा, जैसे पापा का ढाबा बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाता है वो, बहुत अच्छा। आलू पराठा हो गया, पनीर पराठा हो गया, कुछ भी ले लो वहाँ पर, बहुत अच्छा है। तो मूड ख़राब है यार, क्या हो गया, क्या हुआ बताओ? भैया हो रहे हैं भैया, नहीं तुम भी भैया ही हो इस तरह, क्या हो, मूड क्यों ख़राब है? सब जानना है इस बड़वे को। अरे ऐसे ही है, अभी ठीक कर देंगे। पंजाबी ढाबा में मस्त आलू पराठा खिलाएंगे ना, अभी मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा। चलो चलो, हमारा भी मूड खराब हुआ था। क्यों?
जब इसका फाइल चला गया था कल, तुम्हारा क्यों? फिर हमको बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ होती है, बुरा लगा क्योंकि हमको मूवी देखना था, इसकी वजह से लेट हो गया, इसलिए बुरा लगा। डालना मत, डालेंगे, तुमसे पूछेंगे थोड़ी इस बारे, कॉपीराइट मारोगे क्या? गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। दे यार बंद। हाँ हम बोले नहीं, खुला यार, तुम ऐसे डराया मत करो यार। अबे साले, तभी से नाम है प्रशांत, ये अपने अंसारी भाई का फ्रेंड है और अपना भी बन गया, तब पता नहीं चला। थोड़ा फ्रैंक हो गया जल्दी इसके साथ, हम हो जाते हैं जिससे बात करते हैं ना रेगुलरली, उसके साथ फ्रैंक बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा उदास है यार, क्या हुआ बताओ तो। अरे यार, चौथी या पाँचवीं बार है पंजाबी ढाबे में, और जितने बार आओ ना यहाँ पर मन खुश हो जाता है। तो अभी अगर आप खाना देख ही लोगे ना बस ऊपर से, तो मन करेगा भाई हो काश यहाँ पे होते हम। आप दो ना, आप दो ना। छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, एकदम पंजाबी, इसका नाम ही पंजाबी मस्त ढाबा, तो वैसा ही बनता है। और लस्सी पी लोगे तो यहाँ के भाई भांग से कम नहीं है वो। नशा है उसका भी भाई, हर चीज़ का नशा है। देखो छुट्टी हो ना हो, लोन वाले को कॉल ज़रूर आएगा। वो कभी नहीं भूलते, वो टाइम से कॉल करते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाइक चलाने का नशा है, मौसम बढ़िया है उसमें घूमने जाने का वो भी एक नशा है। लोनों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर मशीन है सर। नशा सिर्फ दारू और सुट्टे में नहीं है। ये जब फाइल डिलीट हो रहा था ना अंसारी का, तो इसके अंदर से ये आवाज़ आ रही थी, क्यों कर रहे हो ज़्यादा, क्यों कर रहे हो ज़्यादा, मत करो। अरे यार भाई, छोले भटूरे आ चुके हैं, दो लोगों ने ऑर्डर किया था, दो लोगों ने आलू पराठा ऑर्डर किया था, वो दो आलू पराठा आया नहीं है, और अबे गलती से आ गए बाजू वाली टेबल के। नहीं भैया, क्या बना यार, आप ट्राई नहीं किया? आप ट्राई करो ना, पहले ट्राई करो। सही है, अगर नाश्ता को चेंज करके लंच कर दो, गलती हो गई हमसे, टाइम जो है एक बज रहा है। मारे गलती, सजा दे, सजा दो, कॉपीराइट मारो यार। तो भाई भैया चले गए हैं घर, और प्रशांत भी अभी उधर से घर निकल जाएगा। नहीं यार, जाएगा साथ में, अभी हम द्वारका नगर जाएंगे, इधर से 4-5 किलोमीटर ही है। इसका लैपटॉप का जो भी डिक्रिप्ट करवाना है फाइल, थोड़ा बात करेंगे अगर हो पाएगा किसी तरह से, तो होप रखना ज़रूरी है। और ये फाइल डिलीट करेगा नहीं अभी, क्योंकि इसको उम्मीद है कि किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा वापस वो, और आएगा ही, कोई ना कोई सोल्यूशन तो कभी ना कभी निकलेगा, अगर आज नहीं 5 दिन बाद 6 दिन बाद पर ज़रूर होगा। तो भाई ये दुकान भी बंद है आज, अंसारी की किस्मत में है नहीं, क्या किया जाए, चला जाएगा। प्रशांत से जाना नहीं हो पाएगा, बेचारे थक गए, बोल रहे हैं कैसे ले जाओगे हमको, उठा के ले जाओगे या कुछ जुगाड़ करवाओगे पे बैठा के। आई एम सॉरी बाबू। प्रशांत अभी निकल जाएगा इधर से, उसके बाद अपने लोग घर जाएंगे, देखते हैं अपन लोग घर जाके क्या प्लान बनेगा शाम का, कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत घूमने इधर उधर, पर बोर नहीं हो गए। ओए भाई ये देखो बल्लू के कारनामे, ये देखो। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक बैग का हाल नहीं है, ऐसे 4 बैग के साथ ये कर चुका है, क्या ही करें अब। खैर घर आ चुके हैं हम लोग, कुछ काम हुआ नहीं, घूम फिर के आना पड़ा। फिलहाल हम मूवी देखेंगे, कल रात को एक मूवी देख रहे थे, देखते देखते सो गए थे, रैथ ऑफ मैन, तो वो मूवी हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर प्लान बताते हैं कि शाम का क्या है। खाना पीना तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, आज बनेगा नहीं, मूवी ख़त्म करते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो भाई मूवी हो गई ख़त्म, अभी मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, पर अंसारी बोल रहा है चल के चाय पीते हैं, ज़बरदस्ती ले जा रहा है, चाय पीने मन नहीं है, लेकिन अब ठीक है, अब बोलने लगता है यार मैं बाबू मैं अकेले चला जाऊँगा, बाबू तुम भी आओ, बाबू ऐसे मत करो मेरे साथ, तो चलो अब क्या किया जाए। तो भाई संडे का शाम का प्लान कुछ क्लियर नहीं है अभी तक, फ़िलहाल तक तो नहीं है। हमने डिसाइड किया था कि शाम को कहीं जाएंगे वीवीपुरम, यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे जाके स्ट्रीट फूड वहाँ का ट्राई करेंगे, पर कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि वीकेंड चल रहा है और वीकेंड पे कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है वीकेंड पर 9 बजे से, तो पता नहीं शायद ना हो पाए। और ज़रूरी नहीं कि हर संडे को कुछ ना कुछ होता रहे, कभी कभी संडे बोरिंग सा भी रहता है, आराम करने वाला, ठीक ठाक खाना खा के घर पर बैठने वाला भी। 2 हफ्ते बाद का हमने सोचा है कि कहीं जाने का, बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सी चीज़ें खुल रही हैं नहीं खुल रही हैं, क्योंकि केसेस वापस से बढ़ रहे हैं। परसों मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया है, वो ट्राइपॉड
ऑर्डर इसलिए किया क्योंकि कैमरा का एंगल जो है ना पूरी तरह से आपको दिखता नहीं है, और ख़ुद भी जब मैं वीडियो एडिट करने बैठता हूँ तो मेरे को भी उतना लगता है कि यार कैमरा का एंगल ना थोड़ा और वाइड होना चाहिए। तो मैं यूजुअली मैं फ्रंट कैम से ही शूट करता हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे को भी व्यू दिखता है। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी उससे पहले मैं बियर हिल्स ट्रिप पे गया था, यहाँ से 188 किलोमीटर्स था, तो वहाँ के मेरे पास कुछ वीडियोस पड़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसको डालने की और कुछ ऐसे तरह से कि आपको पसंद है। शॉर्ट ट्रिप है, अगर आप प्लान कर रहे हो कभी एक दिन यहाँ से बैंगलोर से जाने का, अगर आने वाले हो या फिर आप हो ऑलरेडी बैंगलोर में और यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हो तो एक दिन का ट्रिप बना सकते हो, रात को 3-3:30 बजे निकल सकते हो और अगले दिन सेम डे पर आप शाम के 6:30-7 या 9 बजे तक आ सकते हो। नहीं नहीं अभी और सुनिए, हम जब गए थे उस समय बहुत सारी चीज़ें बंद थी, भीड़ नहीं थी, थोड़ा गर्मी भी था उस टाइम पर, हमने ज़्यादा जितना भी एक्सप्लोर करना था किया पर हमारे पास टाइम बहुत बच गया था तो हम वापस आ गए थे। वहाँ पे शूट हुआ है, जो भी हमने वीडियोज़ ली हैं उस तरह से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो होपफुली आपको पसंद आएगा। तो अगली वीडियो पे होपफुली वही रहेगा व्लॉग, उसके बाद शायद आएगा तो आपको पसंद आए। बस अपने सजेशंस देते रहना, कुछ आपको अगर सजेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा नया ट्राई करने की कुछ, या फिर वीडियोस में कुछ मेरे को चेंज करना हो तो वो चेंज करने की कोशिश करूँगा। सो लेट मी नो, तो उससे क्या होगा ना कि आपको भी मज़ा आएगा देखने में और मेरे को भी पता चलेगा और सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। सुनना एक बार ध्यान से, मन लगा कर सुनना, मुझे देखो मुझे। और जैसे जैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ मेरा एक्साइटमेंट जो है और भी बढ़ते जा रहा है और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है नए जगहों पे जाके, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस चीज़ को करने में। सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, और खुद का भी जो डिसीजन मैंने लिया कि हाँ भैया मेरे को ये करना है और मैं ये छोड़ूंगा नहीं, एक साल हो जाए 2 साल हो जाए मैं ये छोड़ूंगा नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ जर्नी टुगेदर। तो ये ऐसी चीज़ है जिसके वजह से मेरे अंदर एक्साइटमेंट है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, सामने कैमरे पे कैसे बात करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, इस तरह से अपने जर्नी को अपने स्टोरीज़ को दिखाना है बताना है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे करके ये काम। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं सामने तो काफ़ी मज़ा आएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ बने रहना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना अगर देख रहे हो तो। सो हेलो एवरीवन, अभी तक अगर आप व्लॉग देख रहे हो इस टाइम तक अभी हो देख रहे हो तब से तो अभी बड़ा मज़ा आ रहा है यार, शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी देख रहे हैं। 4 साल से जो मेरा सपना था वो आज पूरा हो रहा है, फाइनली मैं देखने बैठा हूँ इतने सारे लोगों के बोलने के बाद, फाइनली आई एम वॉचिंग शॉशैंक रिडेम्पशन और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और मज़ा आ रहा है देख के। तो भाई इसको तो इन्जॉय करेंगे, हालाँकि पूरी अभी नहीं हो पाएगी, रात को पूरा देखेंगे, अभी आधा देखेंगे। हाँ जी, अगर आप बने हुए हैं तो प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं जोधपुर, वहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद खाना जो है आज बाहर खाने का प्लान है, बहुत दिनों बाद भगवती में खाना खाने का सोच रहे हैं। भगवती यहाँ पर पास में एक होटल है, जैसे मेट्रो डाइन थी उसी के सामने ही है। तो भगवती में हमारा प्लान है कि स्पेशल चिकन और तंदूरी रोटी खाएंगे, काफ़ी दिनों से तंदूरी रोटी खाई नहीं है हमने, जहाँ भी खाया बिरयानी बिरयानी चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसको बंद करेंगे, उस सिलसिले को बंद करेंगे और एक नया सिलसिला शुरू करेंगे तंदूरी रोटी का। अब जहाँ जाएंगे स्पेशल खाने में तंदूरी रोटी होगी। शाबाश बेटा, घर पे खाने का मन नहीं करता यार, संडे को बिल्कुल मन नहीं करता, ऑफिस का टाइम भी नहीं करता है, लेकिन मनाना पड़ता है क्योंकि पैसा भी एक चीज़ है यार, ऐसे कैसे हम खाने पे फेंकते जाएं और वो खाना लगता नहीं है, हमेशा बाहर का खाना नहीं लगेगा आपके शरीर को, तो घर पे खाओ पर कभी कभी बाहर भी जाया करो। क्या कौन है हमारे साथ? अक्षय भैया, आपको आपने देखा होगा लास्ट के एक आई थिंक इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में देखा होगा इनको, तो मिल गए यार ये यहाँ पे सैटरडे संडे आते रहते हैं तो यहाँ पे मिल जाते हैं, काफ़ी ज्ञान दिया इन्होंने भी उस दिन और अच्छा लगा, चीज़ें क्या करनी नहीं करनी है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग दोनों साथ में एक साथ जॉब करेंगे। हाँ ये जॉब शायद ज्वाइन करेंगे, वो जो कंपनी है वहाँ पर ये ज्वाइन करने वाले हैं, तो साथ में काम करेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा। डिज़ाइनर है बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो इनके साथ ना वेब डेवलपमेंट में काफ़ी मज़ा आने वाला है ज़्यादा, हम दोनों कोलैब करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, और अगर इसमें भी कोलैब कर लिया ना तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनको फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है और ये नॉलेज बहुत अच्छा देते हैं। मैं उसको आइडियाज दे रहा था यूट्यूब का, इसके लिए देखते हैं लौंडा कैसे आगे बढ़ता है। बढ़ेंगे बढ़ेंगे, थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए हैं, हमको मेट्रो डाइन जाएँ या फिर भगवती जाएँ, भगवती में अपना उतना वर्थ इट नहीं लगता, तो सोच रहे हैं मेट्रो डाइन जाने का। अक्षय भैया से तो मिल लिए, वो अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने को लगा है भूख भाई और जल्दी से चाहिए पेट में खाना, तो डिसाइड करते हैं हम लोग किस तरह जाना है। हाँ चलो, अब बोल दिया इसने, मैं तो मेट्रो डाइन जाना ही चाहता था, इसने बोल दिया बस मेट्रो डाइन ही जाएंगे। भैया फाइनली वंस अगेन वी आर इन
मेट्रोडाइन, कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है यार। और भगवती पहले जब कॉलेज शुरू हुआ था ना उस टाइम पे बहुत सही था, उस टाइम वहाँ जाने का एक इतना मन करता था ना, हर हफ्ते 2-3 बार चले जाते थे। लेकिन अपना यार थोड़ा चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। अभी हमने ऑर्डर किया है एक मेट्रोडाइन स्पेशल लॉलीपॉप बिरयानी, और क्या किया था साथ में, हैदराबादी चिकन ग्रेवी और 4 तंदूरी यहाँ पर मंगाई है। बिरयानी मंगाना नहीं चाहता था पर सोचा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। सिलसिला जो है थोड़ा सा डीले हो गया है, उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो भैया बनी एकदम एक नंबर, एक नंबर स्वाद, एकदम एक नंबर। और अब तो भैया बिरयानी भी आ चुकी है, मज़े लेंगे इसके मस्त, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। अगर इसी के साथ कहेंगे आज के ब्लॉग से अलविदा, करो हाथ जोड़ के, मैं खाओ पियो मस्त रहो, इन्जॉय करो लाइफ को। डिफ़िकल्टीज तो आती रहेंगी जाती रहेंगी पर इन्जॉयमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए, वरना बोर हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, तो वो मत होने दो। और मेहनत तो हमेशा करते रहना है पर इन्जॉयमेंट नहीं बोलना है। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, मज़ा आएगा, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, और शेयर करना चाहते हो तो कर दो। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। 60% of the time it works every time. That doesn't make sense.